हेलो स्टूडेंट्स, आज निंजा टेक्निक सीरीज में हम लोग करेंगे रिकरिंग डेसिमल के सवाल, आवर्ती दशमलव के सवाल। मैं सवाल दिखा देता हूं कि किन तरीके के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे है। मैं वेरिएशन भी दिखाता हूं कि इसमें किस किस तरीके का वेरिएशन आता है। आप पहले तो सवाल देख लीजिए कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। मैंने डेट और शिफ्ट अलग अलग एग्जाम में जो भी पूछा गया है, ग्रुप डी है, जेई है, एनटीपीसी है, आप देख पा रहे होंगे कि कितना वेरिएशन है, अलग अलग तरीके के सवाल हैं। तो आज इन्हीं सवालों को सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग सीखेंगे। और ये जो टेक्निक होगी, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो फास्टेस्ट मेथड है, जल्दी से जल्दी कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके वेरिएशन इसमें आते हैं उन सारे वेरिएशन को भी कवर कर लेंगे और तरीका भी सीख लेंगे कि सबसे छोटा तरीका क्या है हमारे इन सवालों को सॉल्व करने का। निंजा जैसा बनना है हमको, हमारा मकसद क्या है, एकदम फास्ट होना है। तो तरीके भी हमारे फास्ट होने चाहिए, बेसिक मेथड से नहीं कर सकते इसको। इस सवाल को अगर मैं बेसिक से आपको सिखाऊंगा तो वो एकदम वेस्ट है। बेसिक का ट्रिक से कोई भी कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है लेकिन टाइम वेस्ट है। बेसिक में बहुत ज्यादा समय लगेगा मुझे आपको समझाने में, लेकिन ट्रिक समझाने में मुझे बहुत जरा सा समय लगेगा और कनेक्शन आसानी से आप सवालों के थ्रू उसको बना पाओगे। तो चलिए इस सवालों को सिर्फ ट्रिक से सीखेंगे। जैसे अगर कोई भी नंबर हमारा लिखा हुआ है यहां पर और बोला जाए कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो सबसे पहले तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि जो बार है, बार का मतलब होता है कि इसके नीचे जितने भी नंबर लिखे हुए बार बार रिपीट करेगा। जैसे अगर मैं इस नंबर की बात करूं 0.623, बार जो लगा हुआ है सिर्फ दो और तीन पे लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जो दो और तीन है ये बार बार रिपीट करेगा, मतलब 23 बार बार रिपीट करेगा। ये तो बेसिक बात होगी कि इसका मतलब क्या हो गया। मान लो अगर इसी जगह पर हमारा सिर्फ तीन पे बार लगा होता, इसका मतलब यह होता कि हमारा तीन बार बार रिपीट करेगा। मान लो 623 पे बार लगा है, इसका मतलब यह है कि 623 आपका बार बार रिपीट करेगा। इतनी तो बात सभी को समझ में आ गई, मैं मान के चलता हूं कि ये बात आपको मालूम है, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बात बता दी। चलिए अब आगे समझते हैं। भिन्न में बदलने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करके रख लेना है। जो मैं बोल रहा हूं इसको आप कॉपी पे नोट कर लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है दशमलव को हटा दो, दशमलव से कोई लेना देना नहीं। अब जब सॉल्व करते समय पहला स्टेप दशमलव को भूल जाओ, पहले स्टेप में दशमलव को इग्नोर कर दो, जो नंबर लिखा है उसको लिख लो, 623 लिख लिया। अब जितने नंबर पे बार है उसको देख लो, गोला कर लो चाहो तो, ये गोला कर लिया। अब जितने नंबर पे बार नहीं है, जो दिख रहा है, जो बचा हुआ नंबर दिख रहा है, उसको आप इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दिया दशमलव को भूल के। मैंने क्या बोला, दशमलव को भूल जाना पहले स्टेप में, ये स्टेप वन है, ठीक। अब स्टेप टू, ये जो हमारा स्टेप वन है ये हमारा अंश के लिए है, ये हमारा किसके लिए है, अंश, इससे हमारा अंश निकलता है। स्टेप टू से हमारा क्या निकलता है, हर निकलता है। अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि बटे लगा देना है, पहले तो बटे तो सिंपल सी बात है। अब फिर से भाई, अब हमें दशमलव को ध्यान में रखना है, अब हमें क्या करना है, दशमलव को ध्यान में रखना है। पहले स्टेप में दशमलव को भूल गए थे, अगले स्टेप में दशमलव को ध्यान रखना है। अब फिर से भाई, गोला, जितने नंबर पे गोले लगे हैं उतने नंबर पे, मतलब उतने नौ लिखने हैं, जितने नंबर पे गोले लगे हैं उतने नौ लिखने हैं, और जितने नंबर पे गोले नहीं लगे हैं लेकिन दशमलव के बाद जितने नंबर पे गोले नहीं लगे हैं उतने जीरो लिखने हैं। जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें तो भाई एक नंबर ऐसा बच गया है जिसपे गोला नहीं है, गोले का मतलब ये बार नहीं है, जितने पे बार उतने नौ, दो पे बार तो दो नौ, एक पे बार नहीं है तो एक जीरो। ये हमारा पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो गया, ये हमारा स्टेप टू हो गया, ये हमारा स्टेप वन हो गया। अगर अब मैं बात करूं 23 में से 6 घटाओगे 617 आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 990। कई बार ये सिंप्लीफाई करते हैं और कई बार सिंप्लीफाई नहीं करते, कई बार आपको ये सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, जैसे इस सवाल में सीधे सीधे आंसर मिल गया। कई बार इस सवाल को हमको इसके आगे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, तो वो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। सिर्फ दो स्टेप है, पहला और दूसरा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे इतना बड़ा नंबर लगा हुआ है, हमें क्या करना है, पहले स्टेप में दशमलव को भूल जाना है, दशमलव को भूल गए। अब हमें क्या दिख रहा है, नंबर पे फोकस करो, हमें 654 दिख रहा है, मैंने लिख लिया। मैंने क्या किया, गोला लगा दिया जितने पे बार है, ये गोला लगा दिया। अब जो मेरा बाकी बचा हुआ नंबर है वो घटा देना है भाई, 006 का मतलब क्या हो गया, 6 घटा देना है,
छह घटा दिया, पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया बटे में। अब हमें दशमलव को याद रखना है। अब जितने नंबर पे बार है, दो नंबर पे बार है, दो नौ लगा दिया दशमलव के बाद। दशमलव के बाद अगर मैं देखूं तो दो नंबर ऐसा है जिसपे बार नहीं है, तो दो नंबर पे बार नहीं है तो दो जीरो लगा दिया। अब यहां पे कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट पीट सकते हैं, लेकिन काटने पीटने से पहले हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर मैं इधर हजार की बात करूं भाई, अगर दो जीरो है तो तीन जीरो कैसे बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 654 की बात करें तो ये नहीं होगा। अब हम देखें तो ऊपर तो हमारा दोनों में 18 और 18 है, अगर नीचे की बात करें तो 275 यहां पर, यहां पे 277, ये समझना है। पहला तो तरीका ये है कि इसको 18 से भाग दे दो, जो नंबर मिले उससे इसमें भाग दे दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई ये है आपका 11 × 9 और गुणे में 100, भाई ये तो आसानी से समझ सकते हो। तो यही फैक्टर तो आपको यहां पे भी मिलेगा, 11 मिलेगा, 9 मिलेगा, 4 मिलेगा, 25 मिलेगा। अब भाई 277 ये जो मुझे दिख रहा था, इसके फैक्टर करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके फैक्टर करने में तो इजी है। मैंने बोला अगर इसका फैक्टर करूं तो 11 और गुणे में कितना आ जाएगा, 25, भाई 25 गुणे 11 लिखा हुआ, यहां पे 11 भी मिल रहा है, 25 भी मिल रहा है। अगर 11 मिलेगा, देखो 11 मिल गया, 25 मिल गया, तो भाई कट जाएगा। अब ये देखो क्या 11 से कट रहा है ऊपर, क्या 11 से कट रहा है ऊपर, भाई 11 से नहीं कटेगा ऊपर, हमारा 11 से नहीं कट रहा है, नीचे हमारा 11 से कट रहा है, तो नीचे हमारा 11 बचना चाहिए भाई। अगर जैसे मैंने बोला ये 3/11 × 9 है और मैंने इसको काट दिया, ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया भाई। नीचे हमारा 11 था और ऊपर से 11 कटने वाला कोई नंबर नहीं था, तो नीचे हमारा 11 बचेगा ही बचेगा ना। यहां पे भी ऊपर का नंबर 11 से नहीं कट रहा है और नीचे हमारा 11 है, तो उत्तर में हमारा 11 बचेगा ही बचेगा, मतलब हमारा 11 आना चाहिए। तो इसमें तो 11 है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 11 नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इन सब चीजों की प्रैक्टिस तभी आपकी फास्ट होगी जब आप इन चीजों को करोगे। एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समय लगेगा, लेकिन आप करोगे तो नहीं लगेगा। और आगे चलते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये चीजें और फास्ट हो सके। अब जैसे आप मुझे फास्ट फास्ट करना है, तो मैंने क्या किया, नंबर लिखा 47619। कोई ऐसा नंबर है, गोला लगा दिया भाई, गोला लगा दिया। कोई ऐसा नंबर है इसके पहले जिसको घटाना है, नहीं घटाना है, नीचे आ गया। दशमलव के बाद में कितने नंबर पे बार है, सारे नंबर पे बार है, 3, 3, 6 नंबर पे बार है, 9, 9, 9, 9, 9 लिख लिया। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है कि ऊपर में सभी में एक है, ऊपर में सभी में एक है, ऊपर में सभी में एक है, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, इससे भाग देने पर कट जाएगा। अगर भाई हम इससे भाग देंगे तो कट जाएगा। अब इससे भाग देने पर या तो 21 आएगा, या तो 19 आएगा, या तो 23 आएगा, या तो 17 आएगा। यही तो मतलब हुआ ना कि जो ये वाली वैल्यू है ये किसके बराबर है, 47619 इंटू, या तो 21 आएगा, या तो 19 आएगा, या तो 23 आएगा, या तो 17 आएगा। अब देखो यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि भाई सबका अगर मैं आखिरी का डिजिट देखूं तो अलग अलग है, 1, 3, 7, 9। तो अगर मैं राइट साइड यूनिट डिजिट की बात करूं, अगर मैं 1, 21 का गुणा करता हूं तो मुझे 9 मिलेगा, अगर मैं यहां पर 19 का गुणा करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं यहां पर 23 का गुणा करता हूं तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 23 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और अगर मैं 7 का गुणा करता हूं, 7 × 9 कितना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो भाई इधर 9 चाहिए, 9 कब मिल रहा है, जब हम यहां पे 21 का गुणा कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट से समझ लो ना, इसमें किसका गुणा करने पर यह मिलेगा, इसमें 21 का गुणा करने पर मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन। भाई भाग देना, छोटे छोटे नंबर से भाग देना स्टार्ट करके भाग दे सकते हो, अंत में पहुंचोगे यहीं पे। लेकिन भाई इतनी समझ तो होनी चाहिए कि ऊपर सभी में देखो समान है, तो भाई हम ये देख लेते हैं डिविजिबिलिटी किसके बराबर है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये 1/21 के बराबर है तो यही मतलब हुआ ना कि इसका गुणा इधर और ये गुणा इधर, मतलब इन दोनों का मल्टीपल ही इसके बराबर होना चाहिए, बस यही सिंपल सी बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस सवाल को देखो तो साफ साफ तुरंत समझ में आ गया मुझे क्या करना है, 236 लिखना है और गोला लगा दो। अगर कंफ्यूजन होता है तो गोला लगा दो। अब जो बच गया उसको घटा दिया बटे में। दशमलव के बाद में चार नंबर है, दो नंबर पे बार है, 9 लगा दिया, और दो नंबर पे बार नहीं है तो 0 लगा दिया। 236 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। अब यहां पे भी वही बात हो रही है, अगर यहां पे भी आप देखोगे तो वही बात हो रही है, 13, 13, 13 सब में 13 है। तो अगर मैं 13 से भाग दू, 13 × 13, 13 × 8, 104, 18 बार जाएगा, मतलब 18 से मुझे भाग दे देना है। जैसे उसमें पीछे नंबर बड़ा था तो ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़े, इसमें 18 से भाग दे दिया, 18 से भाग दिया, यहाँ पे 13 आ गया, 18 से भाग दिया, 18 × 95, 18 × 95 550 आ गया, 13/550 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जहां पे भी दिख रहा है 13/550।
और वैसे भी नंबर बहुत बड़े बड़े थे, अगर हम 18 से काट रहे तो ये सब पॉसिबल नहीं है, कुछ ऑप्शन आप ऐसे ही हटा सकते थे। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कह रहा है 1.427 बार का उत्तर, मतलब इसको भिन्न में बदलो कि क्या होगा। अब अगर इस तरीके का सवाल है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। अभी भी तरीका आपको वही रखना है, तरीका नहीं बदलना है, जो हमने तरीका सिखाया वही रखना है। क्या करना है, 1427 लिख लिया, अब जितने नंबर पे गोला है सॉरी बार है उस पर गोला लगा दिया, अब जो भी नंबर दिख रहा है उसको घटा, तो 14 दिख रहा है 14 को मैंने घटा दिया, ये पहला स्टेप खत्म। पहले स्टेप में हम लोग दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, दूसरे स्टेप में दशमलव पे ही ध्यान देते हैं। अब मुझे क्या करना है कि दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, और 2 नंबर पे बार है तो 2 9 हो गया, और 1 नंबर पे बार नहीं है तो 1 0 हो गया, बस ये हमारा उत्तर हो गया। अब यहां से देखोगे तो ये दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर आप देखोगे तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं। आंसर क्यों, ये आ जाएगा भाई, 1 0 है तो 110 से भाग चला जाएगा इसमें 9 बार, लेकिन 111 से तो भाग ही नहीं जाएगा ना, अगर 111 से भाग नहीं जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, और नीचे एक ही जीरो है तो इन दोनों की भी पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, घटा लो कितना आ जाएगा 1413 और बटे में 990। अब 9 से भाग दे दो, ये 110 आ जाएगा, 9 से भाग दो, 9 एक 9 5 बचा 9 45 और 9 7 63 157 आ गया, देखो वही आ गया ना। हम ऑप्शन से पहले भी काट के यही निकाल चुके थे, हल करोगे तो भी ये आ जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप सवाल को पूरा हल करें, ऑप्शन से जल्दी से आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे ये वाला सवाल है, अगर मैं इस सवाल में गोला लगा देता हूं तो भाई मुझे क्या मिला, सिर्फ 234 मिला। अब अगर मैं दशमलव के बाद बात करूं तो 4 डिजिट है, लेकिन 3 डिजिट पे मेरे बार है तो 3 9 हो गए, और 1 डिजिट पे बार नहीं है तो वो हमारा क्या हो गया, 0। अब जिस डिजिट पे बार नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 आपको लगाने। फिर अभी पीछे हम लोगों ने किया, ये किससे कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 पच्चे 90, ये कहानी खत्म। आप वैसे भी देख सकते थे कि यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है, जैसे हम लोग ऑप्शन चेक करते भाई ये दो हटा दिया, और 990 कैसे बनेगा भाई, इसमें 99 90 है तो 990 नहीं बनेगा, और 134 भी नहीं बनेगा भाई, अगर इसमें मान लो 2 से भी भाग दोगे तो 134 तो बनेगा नहीं, तो वो भी आंसर पॉसिबल नहीं था। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये आपका ये भी सीबीटी 2 का सवाल है, कह रहा है 2.56 बार का सही अभिव्यंजक क्या है। अब अगर इसको लिखना है तो वैसे तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 2 को अलग 56 को अलग करके भी कर सकते हैं, तो साफ साफ ऑप्शन ये दिख रहा है, लेकिन जो हमने तरीका सीखा है उसी से करके दिखाते हैं, उसी से करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। हमें क्या करना है, 256 लिखना है, जितने नंबर पे बार है गोरा लगाया, बाकी जो बचा हुआ है वो हटा देना है, 2 आ गया, बटे में दशमलव के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, 99 लिख दिया। अब अगर नीचे 99 आ रहा है तो भाई 100 आएगा नहीं, 1000 आएगा नहीं, और 90 आएगा नहीं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बोलो बात क्लियर होगी सभी को, समझ में आ रहा है, चीजें कनेक्ट हो रही हैं कि कैसे हमें करना है। आप बहुत ही जल्दी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसको करना है, अगर मैं बात करूं, ये लो पहले तो जो नंबर लिखा उसको लिख लिया 1 2 6 3 6, और हमें इसमें क्या बचा हुआ दिख रहा है, 126 घटा दिया, बटे में कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, 2 9 लगा दिया, और कितने नंबर पे बार नहीं, दशमलव के बाद में 3 नंबर है, 3 नंबर पे बार नहीं है। अब देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा भाई, 126 तो जाएगा नहीं, ये 126 से ही 36 बटे समथिंग लिखा हुआ है भाई, ये तो हमारा बड़ा छोटा नंबर है, इतना बड़ा थोड़े ना हो जाएगा। अगर मैं 2200 की बात करूं, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये नंबर पॉसिबल है कि ये नंबर, अच्छा देखो नीचे कहीं पे 2 बनेगा, पॉसिबिलिटी है इसमें से 2 बन सकता है, अच्छा पहले इसको घटा लेते हैं। अब देखो इसमें देखना पड़ेगा हमको, 126 घटाओगे तो यहां पे कितना बचेगा, 12510, और बटे में कितना आ जाएगा, अच्छा अब क्लियर हो जाएगा, 9900। अब 1 0 से 1 0 कट गया, अब अगर ये कट गया है तो अब मुझे समझ में आ गया है कि ये नहीं पॉसिबल है, क्यों, देखो 20 यहां पर है, 20 यहां पर है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है, तो भाई हमारा ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, फिर एक ही आंसर पॉसिबल है ये, और आएगा कैसे, बस 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दोगे, 9 9 9 3 27 और 9 9 81 139 अपॉन में 1100। उम्मीद है कि सभी को बात क्लियर हो गई होगी कि इन सभी सवालों को जो रिकरिंग डेसिमल के हैं कैसे करते, 2 स्टेप में, पहला स्टेप जितने नंबर पे है गोला लगा लिया, जितने नंबर पे बार है उतने पे गोला लगा लिया,
अब पूरा नंबर हम लोगों ने लिख लिया और जितने नंबर पे बार ने उसको घटा दिया, पहले स्टेप में दशमलव को भूल जाते हैं। अगले स्टेप में बटे लगा के हम सिर्फ दशमलव के बाद के नंबर को ध्यान देते हैं, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख लिया और जितने नंबर पे बार नहीं उतने 0 लिख लिया, बाकी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने में भी हम पूरा सॉल्व नहीं करते, हम ऑप्शन का यूज करते हैं, तो कैलकुलेशन हमारा ज्यादा आसान है। उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में हर बार लगभग आता ही आता है, किसी न किसी सेट में हर बार ये सवाल पूछा ही जाता रहता है और बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सिंपल सवालों में तो दिक्कत नहीं होती, जैसे अगर ये पूछा जाए 0.6 बार है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे क्या कर लेते हैं आसानी से, 56/99 कोई दिक्कत नहीं। सर पूछ लिया जाए 0.023 बार है, बताओ, ये भी कुछ बच्चे कर लेते, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, इसको लिखते हैं 23/990, कुछ बच्चे कर लेते कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर यहीं पर ये लिख दो तो बच्चे डर जाते हैं, अब कैसे करें सर। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 1+ इसको हल कर लोगन में जोड़ दो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होता है, तो जो मैंने तरीका बताया उसमें कैलकुलेशन क्या है, एकदम ही आसान है, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस निंजा टेक्निक सीरीज में हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे और वो सारे सवाल हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे ज्यादा जाते हैं और आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, या तो आपको तरीका सही नहीं मालूम होता है या तो कैलकुलेशन करने में आप बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।